वेलकम गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में। ये होता क्या है और सबसे ज्यादा डेथ क्यों हो रही है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है? हार्ट में होने वाली एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, हार्ट में ही प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर माना गया है, लाइफ स्टाइल को माना गया है, जो कि सोशो इकोनॉमिक चेंज की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आती है, इसको माना गया है, और डेथ भी ज्यादा ही हो रही है। अब बात करते हैं, अब इस कंडीशन में इसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई टोबैको, कोई तंबाकू खाता है उसकी वजह से, फिजिकल एक्टिविटी वो कुछ नहीं करता उसकी वजह से हो सकता है, वो खाना तो खाता है बट पुअर डाइट लेता है वो उसकी वजह से भी हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके उनके माता पिता से उसे मिली हो, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हो कार्डियो हार्ट की प्रॉब्लम। तो ऐसे भी होता है जैसे कि हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम किसी को ज़्यादा है तो उसमें भी कंडीशंस हो जाती है, और ओवरवेट, अगर किसी का ओवरवेट है, ज़्यादा ही उसका जो वेट है वो ओवर हो गया, जैसे एज का अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा एज हो जाती है वो जो उसका वेट भी वेरी करता है, उसका कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बट इस कंडीशन में क्या है, ओवरवेट अगर किसी का हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है तो हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखी जाने वाली इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है और इन्हीं को माना गया है। सिंपली भाषा में कहूँ तो जो सबसे ज़्यादा है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और जो दर्द होता है वो जो पेट होता है उसके ऊपर होता है, जैसे कि गर्दन में दर्द हो सकता है, बैक में दर्द हो सकता है, और जो गले में भी दर्द हो सकता है, और जो थोड़ी है उसमें भी हो सकता है, और जो है थोड़ा दर्द रहेगा, जैसे पैन नंबनेस आर्म में, हाथों में और लेग्स में, ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ दर्द हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ये दर्द रहेगा और आपको समझ नहीं आएगा किसकी वजह से होता है। और मैं बताऊँ ये जो है सबसे ज़्यादा लेफ्ट हैंड में होता है, क्यों, क्योंकि हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड ज़्यादा हिस्सा होता है, इसलिए जो है इसको, रिसर्च का अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसलिए इसको माना गया है। सिम्टम्स में यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मे भी अगर किसी को ज़्यादा सिम्टम्स में किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मैं यही कहूँगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि वो जो प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब क्यों हो रहा है, डॉक्टर अच्छे से आपको समझा सकेगा। सिम्टम्स में जो है यही देखने को मिलता है। अब जो है इस प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मतलब कुछ इसके प्रिवेंट हैं, डाइट है कुछ जो आप कर सकते हो और खा सकते हैं, जैसे कि सलाइड का आप देख सकते हैं, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा फिजिकली, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो सब सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, जब ही करते हैं जब कहानी एंड तक होती है। एक्सरसाइज रेगुलरली मॉनिटर योर वेट, आपको डेली बेसिस पर वेट जो है मॉनिटर करना पड़ेगा, आज कितना वेट हुआ, बड़ा तो नहीं है घटा तो नहीं, स्टॉप स्मोकिंग, जो सिगरेट वगैरह है उनको छोड़ना पड़ेगा, और कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किसी की वजह से तो आपको कम करना होगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको चेक कराता रहना होगा। अब यहाँ पर ये तो है, अब ये चीज़ें एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप खाने में क्या क्या लेना है और क्या बंद करना पड़ेगा, जैसे कि क्या है, बादाम, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेड पेपर्स, टमाटो, कैली, ब्रोकली, ऑल्सो इंक्रीज इनटेक द फ्रूट लाइक इट, ऑरेंज खाना पड़ेगा, पपाया फ्रूट जिसमें बीटा कैरोटीन और पोटेशियम और मैग्नीशियम एंड फाइबर, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा यूज। अब दोस्तों जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कौन कौन सी है, जैसे कि एस्पिरिन हुआ, डिकॉक्सिन हुआ, इकोसेप्टेनियो एसिड हुआ, और रेनोलेजिन हुआ, ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो है आज की डेट में यूज हो रही है, और भी मेडिसिन है बट ये रेयरली जो है वो यूज होती है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मेडिसिन खानी है, बिकॉज हार्ट की जो कंडीशन होती है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, आप पे दर्द हो रहा है हार्ट में, हो सकता है वो किसकी वजह से हो, तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट करानी पड़ती है, ईसीजी कराना पड़ता है, या
किसी डिफरेंट टाइप के टेस्ट कराने पड़ते हैं, तब जाकर पता चलता है कि कौन सी ड्रग्स देनी है और इसको बिना ड्रग्स के भी ठीक किया जा सकता है नहीं किया सकता। बट इंडिया में बात करें तो ऐसा होता नहीं है, आपको ड्रग्स ही देते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर।